गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सर प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस के जिला की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर बुक, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर्स, शार्पनर, व्हाट एवर यू नीड फॉर योर क्लास वर्क, प्लीज टेक आउट एंड स्टार्ट लर्निंग विद मी। टुडे वी स्टार्ट एडिशन ऑन नंबर लाइन। एडिशन ऑन नंबर लाइन, इसमें से हमने दो कर लिए थे। आज जो अपन करेंगे वो है एट एंड सेवन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। सबसे पहले आप करो अपनी नोटबुक पे सीडब्ल्यू लगाओ, क्लास वर्क। सीडब्ल्यू का मतलब होता है क्लास वर्क। फिर आज की डेट, आज की डेट लगानी है। डेट लगाने के बाद में क्या करना है आपको, ये जो चैप्टर है अपना न्यू चैप्टर, ये एक बार ही लगाना है नए पेज पे, ठीक है। चैप्टर थ्री एडिशन। तो सबसे पहले आप स्केल बाहर निकाले अपनी, स्केल से एक स्ट्रेट लाइन खींचे, बिल्कुल सीधी लाइन मेरी तरह खींच ली। अब यहां से जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन 12, 13, 14, 15, ठीक है। आपको पूरा बोर्ड दिख रहा होगा आराम से, अच्छी तरीके से, कोई मिस नहीं हो रहा होगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब हमें लाइन बना दी, लाइन के बाद में ये हमने खींच ली ऐसी लाइनें। अब आप नंबर लगाओ, जीरो पहला क्या लगाओगे, जीरो फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन लगा दी। अब आपको क्या करना है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपके पास में है एड एट एंड सेवन, एट एंड सेवन, ठीक है। इनको प्लस करना है, नीचे बॉक्स है, ठीक है। पहला नंबर आपके पास में एट, बॉक्स में फिल करो एट। अब एट कहाँ है ढूंढो, यहां रहा एट, ठीक है। यहां लगाओ एरो, पहला नंबर मेरे पास में एट, मैंने बॉक्स में लिख दिया एट। अब दूसरा नंबर भी लिख दो सेवन, लिख दिया। अब मैंने पहले नंबर है, जो पहला नंबर है मेरे पास एट, उस पर एरो लगा दिया, ठीक है। अब आगे नंबर देखो सेवन, अब मुझे कितने जंप लगाने हैं, सेवन जंप, आप गिनना देखना। अब मुझे कितने सेवन, एट पे तो मैंने एरो लगा दिया, एट पे जंप कितने लगाने हैं, सेवन, देखना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन जंप हो गए। सेवन पे मेरा नंबर कौन सा है, फिफ्टीन, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्टीन। समझ में आया, इसको दोबारा देखना आपको समझ में आ जाएगा। फटाफट नोटबुक में उतारो अच्छी राइटिंग के साथ। सभी ने उतार ली होगी, अगर कोई राइट डाउन करने में कोई स्लो है या कोई धीरे लिख पा रहा है तो वो क्या करे, वीडियो को यहाँ पॉज कर ले, पॉज करने के बाद आराम से अच्छी राइटिंग के साथ अपना वर्क करे, ठीक है। या पहले आप पूरा वीडियो देख ले, समझ ले,
सबसे अच्छा तो तरीका आपका यही रहेगा कि आप क्या करें, सबसे पहले वीडियो को देखें, देख लिया फिर उसके बाद में वापस दोबारा रोक रोक के उसको होमवर्क करें, उसमें से देख दी। तो अब जो हम करने जा रहे हैं वो है पेज नंबर, आपको लेना है पेज नंबर 3232। कौन सा लेना है? 3232 पेज नंबर निकालना है सभी को, ठीक है? तो पेज नंबर 32 सभी को निकालना है। अब आपको एक दो लाइन छोड़नी है, कितनी लाइन छोड़नी है? दो तीन लाइन आपको छोड़नी है, ठीक है? दो तीन लाइन छोड़ के एक नई हेडिंग लगानी है। चलो हेडिंग है, पेज नंबर है आपका 3232, हेडिंग है हमारी फिल इन द बॉक्सेस फिल इन द बॉक्सेस। पहला है आपको उसके नीचे दो तीन लाइन छोड़ के फिर ये नई हेडिंग लगानी, फिल इन द बॉक्सेस, और पहला लिखना ए। ए आपके पास में है 1616 प्लस हो रहा है 0, तो हमारा आंसर क्या आएगा? देखो किसी भी संख्या में 0 प्लस करने पे क्या आता है? देखो मेरे पास 16 थे, किसी ने मुझे 0 दिया, जीरो का मतलब कुछ नहीं दिया, जीरो क्या बताता है? कुछ भी नहीं, यानी कोई चीज नहीं हुई, यानी मेरे पास 16 रुपए थे, किसी ने मुझे 0 रुपए दिया, जीरो मतलब कुछ नहीं दिया, तो मेरे पास अब जेब में कितने हैं? 16 ही है, तो मेरे जेब में जितने थे वही होगा, 16 ही होगा, क्योंकि 0 रुपए का मतलब कुछ नहीं होता, कुछ नहीं दिया। फिर है बी, बी हमारा है पहला बॉक्स है 20 प्लस 10, और दूसरा है मेरे पास में एक और बॉक्स है 10 प्लस। देखो अब हमें बराबर करना है, दो भाई हैं, इन दोनों को बराबर करना है, तो देखो इन दोनों बॉक्स को बराबर करना है, तो देखो पहला देखो कितनी संख्या है हमारे पास, 20 और 10, दो ही संख्या है 10 और 20। देखो एक संख्या 20 है, दूसरी है 10, तो यहाँ पे भी वापस दो बॉक्स है, एक आ गया 10 वापस आ गया, पीछे कौन रह गया? 20, तो इसके पीछे कौन रह गया? 20। अब बराबर है, देखो 10 20 10 20, ये 20 और 10, जब दोनों को प्लस करेंगे तो 30 आएगा, 20 प्लस 10 30, और 10 प्लस 20 30, तो दोनों को जोड़ने पे 30 आ रहा है, और देखो दोनों जगह बराबर संख्या है, ठीक है? ये भी कॉपी करें। फिर है सी, सी में हमारे पास में है 5 है और 9 है। देखो कैसी संख्या है, दो संख्या है, कौन कौन सी? 5 और 9, ठीक है 5 और 9, तो वापस वहां आओ, वहां देखो एक बॉक्स खाली और 9 तो वापस आ गया, अब 9 ने किसको पीछे छोड़ दिया? एक और था 9 के साथ ही कौन था? 5, इसने इसको पीछे छोड़ दिया, तो 9 तो आ गया, पीछे कौन छोड़ा? 5, यहाँ 5 पढ़ना है आपको, ये फिल करो आप नोटबुक में। चलो आगे बढ़ते हैं,
बी हमारे पास में है, चलो डी वाले हम नहीं करेंगे। अब मैं आपको दे रहा हूं, सी तक करवा दिया था, सी, अब डी मैं लिख रहा हूं। एट प्लस, यहां बॉक्स है, वापस एट आया, बताओ एट में आपने क्या प्लस किया, वापस एट ही आया है, यानी कुछ भी प्लस नहीं किया। ये आपके लिए एच डब्ल्यू है, क्या है, एच डब्ल्यू है, ठीक है, होमवर्क में करना है। यानी एक आपके पास आपके जेब में 8 रुपए थे, ठीक है, फिर आपके पास में कुछ आया, यानी कुछ कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं, मैथ को मैथ मतलब कुछ पैसे आए, और मैथ में कुछ भी पैसे को क्या बोलते हैं, जीरो, तो वापस एक ही हुआ आपके पास। एक है आप सी डी ई, ये है आपके पास में, मैं कुछ छांट छांट के आपके पास में क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है, 7 और 0 आपको प्लस करोगे, फिर आपके पास में क्या आएगा, और एक मैं दे देता हूं आपके लिए 36। में प्लस हो रहा है 8, देखो यहां 2 बॉक्स है, इक्वल टू है, यहां पे भी 2 बॉक्स है, ठीक है, यहां ध्यान रखना, देखो 8 में कोई चीज कोई संख्या प्लस की तो वापस 8 आया, क्या प्लस किया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं को क्या लिखते हैं, 7 में मैंने 0 प्लस किया, मेरे पास 7 रुपी थी, 0 रुपये आया, कुछ नहीं हुआ, वो का वो 7 रुपी थी। यहाँ देखो दो दोस्त थे 36 और 8, ठीक है, वापस यहाँ गए दूसरे गांव, दोनों साथ गए, 36 तो यहाँ है, पीछे इसने किसको छोड़ दिया, 8, ठीक है। तो ये होमवर्क है, होमवर्क में आपको ये तीनों क्वेश्चन करने, बाकी वाले क्वेश्चन कल मैं करवाऊंगा, इससे आगे वाले मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।